इसमें से 8 मेरी कटिंग सक्सेस रही है। अब हम इसमें धीरे धीरे मिट्टी डालते जाएंगे। ये अम्ब्रेला पाम की कंडीशन देखिए, मैंने वीडियो एक हफ्ते बाद में बनाया है। ये एक हफ्ते पहले जो कटिंग की थी मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाया, और ये एक हफ्ते बाद की कंडीशन देखिए। बिल्कुल मैंने पूरे काट दिए थे, ये पूरी बिल्कुल ऐसी डंडियाँ थी जो आपको दिख रही हैं, ये इसमें ये इस तरह की डंडियाँ बची थी बस। और अब देखिए एक हफ्ते में इसकी प्रोग्रेस, ये वापस से फुटावा आ चुका है, इसमें नए नए लीव्स आ गए हैं। और दोनों की कटिंग पूरी तरह करने के बाद की, एक हफ्ते के बाद की ये कंडीशन है। और जो मैंने ग्रो किए थे उसको भी आपको दिखाती हूँ मैं, उसमें जड़ें बनी हैं या नहीं बनी हैं। पानी में ग्रो किया था मैंने, आपको शो करती हूँ अभी। देखिए मैंने दो पॉट में ये नो कटिंग्स मैंने इसको लगा दी थी, तो आपको दिखाती हूँ मैं इम्प्रूव हुआ है किसी में नहीं हुआ है। ये देखिए इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा। ये देखिए ये वाइट वाइट जो हैं ये इसकी जड़ें हैं, ये देखिए। और नीचे से फुटाव हो रहा है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ से ये जो वाइट वाइट हैं ये इसकी जड़ें हैं, ये पूरी। जब ये जड़ें और बढ़ जाएगी तो इनको हम थोड़ा थोड़ा सा कट कर देंगे, ग्रीन ग्रीन पत्तियों को बहुत संभल करके इनको कट कर देंगे। और इसको और आपको दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कैसे ग्रो करना है। ये एक में तो हो गई, दूसरे में बहुत कम है, दूसरे में शुरुआत हुई है, वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको। ये और दिखाती हूँ, वेरी गुड, इसमें भी स्प्राउट्स बन चुका है, इसमें अभी शुरुआत ही हुई है, बहुत कम है इसमें। तो 3-4 में से 3 में स्प्राउट्स हो चुके हैं। और अब इसमें दिखाती हूँ, ये 5 हैं, इसमें से आपको दिखाती हूँ मैं, इसमें भी शुरुआत हो चुकी है, देख रहे हैं आप। ये वाइट वाइट जो हैं इसकी रूट्स हैं, ये इसमें भी शुरुआत हो चुकी है, ये बहुत कम हुआ है, वाइट वाइट शुरुआत हो गई है, इसमें भी हो जाएंगी रूट्स। और इसमें भी हो चुकी है, देखिए इसमें बहुत अच्छी हो रही है प्रोग्रेस, रूट्स की चारों ओर से बढ़ रही है इसमें रूट्स। 3 में हो चुकी है, अब ये 2 और हैं, आपको दिखाती हूँ। इसमें भी हो चुकी है बट स्लो है, ये देखिए यहाँ पर ये रूट्स ग्रो हो रही है, शुरुआत हो गई है। तो इसमें 1 में नहीं हुई है और 4 में हो चुकी है, 5 थी इसमें। हमें इसको थोड़ा ऐसा पॉट लेना होता है जो पूरी तरीके से ये इसमें डिप हो जाए, बाहर ना रहे, पानी में डूबी रहें, ये पत्तियाँ जो हैं पानी में डूबी रहनी चाहिए। पानी में डूबी रहने से ही वो ग्रो करेगी, अगर वो पानी से ऊपर आ जाती है, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपकी जो टहनियाँ आपने ग्रो करने के लिए लगाई है जड़ें ना बन के जल जाएंगी वो। तो एक हफ्ता हो चुका है, एक हफ्ते में भी एक दिन कम है, तो इसमें इतनी ही ग्रोथिंग हुई है। तो 2 दिन हम और थोड़ा देख लेते हैं, फिर आपको मैं 2 दिन बाद में इसकी प्रोग्रेस दिखाती हूँ, इसकी जड़ों ने कितनी प्रोग्रेस की है। ये 15 दिन के हो चुके हैं। अब देखिए अम्ब्रेला पाम की जो मैंने कटिंग आपको दिखाई थी, करीब एक हफ्ते के 6 या 5 दिन की दिखाई थी मैंने, और अब है इसको हो चुके हैं 15 दिन, और इनकी ग्रोथिंग आप देख रहे होंगे, ये बाहर आ चुके हैं, लीव्स बन चुकी हैं, जड़ें अच्छे से अंकुरित हो गई हैं। और इसमें भी मैंने पानी भी चेंज नहीं किया है, सिंपल पानी में लगाई हुई है। अब इसको मुझे आपको बताना है कि इसकी प्रोपेगेशन मिट्टी के साथ में हम कैसे करेंगे। इसका एक वो है मेथड कि आप डायरेक्ट इसको निकाल करके मिट्टी में लगा देंगे तो ये मर जाएंगे, क्योंकि मिट्टी में आपने डायरेक्ट लगा दिया, केवल मिट्टी में, तो मिट्टी क्या है उसमें एयर नहीं बन पाएगा और सख्त हो जाएगी मिट्टी। और अभी इसकी जो जड़ें हैं और लीव्स हैं ये बहुत ही नाजुक हैं, तो इसको और एनवायरनमेंट भी इनका एकदम से चेंज होगा, तो आप एकदम डायरेक्ट मिट्टी में लगाएंगे तो भी ये मर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक रूल होता है कि इसी एनवायरनमेंट में हम धीरे धीरे बदलाव करके लेकर आए, तब ये मरेंगे नहीं और अच्छे से इसमें और फुटाव हो जाएगा। और आपका ये देखिए
कितनी बड़ी बड़ी जड़ें हो गई हैं। तो अब हम जो इसकी ये पत्तियां हैं आपको दिखाती हूँ मैं कट करके। अब ये देखिए इसकी जो ये हरी हरी पत्तियां हैं, बहुत ध्यान से मैं इनको कट कर दूंगी, क्योंकि हमें मिट्टी में ये देखिए ऊपर इसकी लीव्स आ रही हैं धीरे धीरे और नीचे जड़ बनती जाएंगी, इसलिए इनको हम काट देंगे। बहुत ही ध्यान से ये बनती जा रही हैं, इसमें लीव्स आपको दिख रही होगी, एक ये रही, एक छोटी सी ये है और एक ये है। तो हम इसको बहुत ही ध्यान से काटेंगे, ये और इसमें जड़ें बनती जा रही हैं पास पास से। ये देखिए मैंने सभी पत्तियां जो थी वो काट चुकी हूँ। अब इसको हम दूसरे पॉट में डाल देंगे ये इस तरीके से, और इसमें करीब 3 आ जाएंगी। तो मैं और ये देखिए आपको और दिखाती हूँ बाकियों का हाल। और भी अच्छी ग्रोथिंग पकड़ ली है इन्होंने, इतनी बड़ी हो चुकी है ये और यहाँ से फुटाव हो रहा है, ये इतनी लीव बाहर आ चुकी है और जड़ें बन चुकी है, इसमें भी देखिए पत्तियाँ बन चुकी है। तो ये इन घबराइए मत अगर ये पीली हो जाती है, बस हमारी जड़ें और जो नई लीव आ रही हैं वो स्वस्थ रहनी चाहिए। तो बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ये जड़ें बहुत नाजुक हैं, तो इसको हम काट देंगे। तो काट करके इन सबको तीनों चारों को मैं आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखिए ये 4 हैं, चारों की मैं कटिंग कर चुकी हूँ और इसमें 5 है। इसमें 5 हैं तो इसको भी मैं कटिंग करके सबको एक साथ दिखाऊंगी। अभी इसमें दिखा देती हूँ हम क्या करेंगे, इसी पानी में थोड़ी सी मिट्टी लेंगे। आप मिट्टी सिंपल ले सकते हो, बिल्कुल साधारण जो मिट्टी होती है, बालू मिट्टी हमारे यहाँ की बहुत अच्छी मिट्टी होती है राजस्थान की, काफ़ी भुरभुरी मिट्टी होती है। तो इसको मैं स्टैंड अप करके जहाँ मुझे लगाना है तो धीरे धीरे मैं ये मिट्टी डालती जाऊँगी। अभी एक एक करके लगाती हूँ मैं आपको दिखा। ये देखिए ऐसे पकड़ कर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हम डालते जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि पॉट में आपके होल हो, वो हम बाद में जब थोड़ा जड़ें बन जाएगी इसकी थिक और काफ़ी जड़ें पूरी मिट्टी में एकदम एक साथ हो जाएगी, बंध जाएगी वो, तब हम इसको ऐसे गमले में लगाएंगे या मिट्टी में लगा देंगे, गमले में जिसमें ड्रेनेज अच्छा हो। तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके हम डालते जाएंगे इसमें ताकि ये स्टैंड हो जाए अपनी जगह पर। ये देखिए ये इस तरह करके हम लगा देंगे। इसमें मैं 3 लगा रही हूँ। वैसे ये प्लांट मेरे पास में बहुत कटिंग से भी मैंने करके लगाया हुआ है और जड़ों को सेपरेट करके भी मैंने लगाया हुआ है इसको, तो मेरे साथ बहुत पास में बहुत सारा है। ये आपको वीडियो सिर्फ दिखाने के लिए पर्पस से ही मैंने बनाया है कि इसकी प्रोपेगेशन किस तरीके से होती है और पानी में से हम जब चेंज करते हैं तो क्या परेशानी आती है और किस तरह हमको चेंज करना चाहिए। तो ये मैंने मिट्टी इसलिए डाली है ताकि ये मिट्टी में अपने आप को एडजस्ट कर सके और स्टैंड हो जाए। अब ये इस तरह से, अब देखिए अब इसकी जो पत्तियां हैं ये ऊपर आती जाएंगी और जड़ें आपस में बंध जाएंगी, एक थिकनेस आ जाएगी और फिर हम धीरे 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 पानी इसमें कम कर देंगे और उतना ही पानी देंगे जितनी इसमें मिट्टी में नमी बनी रहे। फिर इसको धीरे से निकाल करके और गमले में ट्रांसफ़र कर देंगे मिट्टी के साथ में। तो इसका ये प्रोसीजर है, आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। इसमें एक बात का हमें पूरा ध्यान रखना है कि जब हम इसकी प्रोपेगेशन करेंगे शुरू में भी और बाद में भी, कि इसको छाया में हम रखेंगे जहाँ हवा आती हो बट धूप बिल्कुल भी ना आती हो। जब हम कटिंग्स लगाएंगे ये पानी में तब भी, और पूरी इसमें जड़ों की जो बढ़त होगी तब तक, और ये मिट्टी में जब हमने प्रोपेगेशन इसका किया है तब भी हम इसको धूप नहीं लगाएंगे, ऐसी जगह रखेंगे जहाँ छाया आती हो और रोशनी हो और हवा आती हो। तो तेज़ धूप में बिल्कुल नहीं रखना है, जब पूरी तरह
से जड़ें बन जाएं, हम इसको ट्रांसफ़र कर दें तब हम रखें। हाँ, इसकी पत्तियां थोड़ी जल जाती हैं तेज़ धूप में, लेकिन हमारा पौधा कभी नहीं मरता है। और पानी कितना चाहिए ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। इसमें DAP का हम दाने में और पाउडर में जो आता है वो पानी में घोल करके 3 से 6 महीने के बीच में दे सकते हैं। NPK 20 या 19:19 भी दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं 3-3 दिन में, पाउडर फॉर्म में या फिर इसको लिक्विड फॉर्म में। और इसमें मैंने अभी तक पेस्टिसाइड्स का कोई अटैक ऐसा देखा नहीं है कीड़ों का, लेकिन नीम ऑयल जैसे सभी आप पौधों में देते हो तो वैसे इसमें स्प्रे हम कर सकते हैं, बट उसका टाइमिंग बार बार नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौधों की जड़ों को नुकसान हो। ये देखिए, ये 6 दिन के बाद का वीडियो है। ये 6 दिन के बाद इनकी कंडीशन ऐसी है जो मैंने मिट्टी में डाल के आपको दिखाया था। ये देखिए, नए अंकुरित हो गए हैं, ये इतना बड़ा हो चुका है और ये आपको दिख रहा है यहाँ, और नए स्प्राउट्स अंदर से और आ रहे हैं। और दूसरे की कंडीशन देखिए, ये नए नए स्प्राउट्स साइड में आपको दिख रहे होंगे यहाँ, ये इस जगह देखिए, यहाँ से नए आ रहे हैं और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये नए आ रहे हैं और स्प्राउट्स इसमें भी बैक से पीछे से। तो जितनी भी मैंने कटिंग्स लगाई थी वो सभी सक्सेसफुल रही हैं। और मैंने इसमें पानी वही रखा है जो 6-7 दिन पहले डाला था, और इसमें मिट्टी डाली थी, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और धीरे धीरे ये पानी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में मैं मिट्टी सहित इसको निकाल करके और मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दूँगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट देती रहूँगी। और इस वीडियो को मुझे कम से कम 20-22 दिन लगे हैं पूरा बनाने में, क्योंकि इसकी प्रोपेगेशन के लिए, जड़े बनने के लिए मुझे टाइम चाहिए था। तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, और जिन्होंने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब भी करिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।